नाउ मूविंग टू अ 12th पॉइंट, ऑबेस में मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी उन्हें मजाक का पात्र भी बनना पड़ता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स डाइट नियोजन ड्यूरिंग ओबेसिटी। इन दिस फर्स्ट इज कैलोरी, मोटे ओबेस को कम कैलोरी युक्त आहार की आवश्यकता होती है, परंतु भोजन की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए ताकि उसका पेट भर सके तथा तृप्ति एवं संतुलित मिल सके। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाई जानी चाहिए। ओबेस का वजन का एकदम से नहीं कम किया जा सक जाना चाहिए। महीने में 6 to 8 पाउंड तक वजन का कम होना ही उचित है, नहीं तो पर्सन की निरंतर थकान, कमजोरी, आलस्य, सुस्ती एवं भूख का अनुभव होने लगता है। अर्थात धीरे धीरे वेट कम किया जाना चाहिए। इसलिए ओबेस को प्रतिदिन एनर्जी का सेवन 800 to 100 किलो कैलोरीज तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी मांग 2500 किलो कैलोरीज है, 1300 to 1500 किलो कैलोरीज एनर्जी अवश्य ही प्रतिदिन आहार से प्राप्त होनी चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रोटीन, बॉडी के तंतुओं की टूट फूट की समस्या मरम्मत हेतु प्रोटीन आवश्यक है। अतः 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार के अनुसार होना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स, उच्च कैलोरी युक्त तथा फ्राइड फूड्स पदार्थ का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। दिन में 100 ग्राम कार्बोस पर्याप्त है, परंतु ये अवश्य ध्यान रखे रहे कि कार्बोहाइड्रेट पदार्थ शुगर से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि शुगर कार्बोस प्राप्ति के सांद्र रूप है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में पॉलीसैकेराइड्स तथा रेशा होना चाहिए। ना मूविंग टूवर्ड्स फैट, फैट ऊर्जा प्राप्ति का संग कंसेंट्रेटेड सोर्स है, अथवा इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतम 40 ग्राम फैट का प्रयोग किया जाना चाहिए। घी मक्खन का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मिनरल्स, कैल्शियम, लोह, आयरन, आयोडीन एवं अन्य मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मिनरल्स की पूर्ति हेतु सब वेजिटेबल एवं फ्रूट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओबेस को खनिज ओबेस को मिनरल्स सामान्य व्यक्ति जितना ही देना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स विटामिन, डाइट में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये फैट की मात्रा को कम करता है। अन्य विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के तथा बी समूह ग्रुप्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। विटामिन्स की प्राप्ति हेतु ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रो वेजिटेबल्स को सलाद के रूप में आहार में अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। रफेज होता वेजिटेबल में रफेज होता है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में सहायक होता है। वेजिटेबल के अधिक सेवन से पेट भर जाता है तथा तुष्टि और तृप्ति मिलती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स वाटर, वाटर की अधिक मात्रा के सेवन से ओबेस कम होता है, क्योंकि अधिक वाटर पीने से खाना कम खाया जाता है। अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ये ओबेसिटी घटाने में सहायक होता है। परंतु मीठे पेय पदार्थों जैसे छाछ, लस्सी, फलों का रस, गन्ने का रस आदि का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से ओबेसिटी बढ़ती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रोहिबिटेड फूड, ओबेसिटी ओबेस को निम्न भोज्य पदार्थ पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। इसमें से फर्स्ट है फ्राई, जो अधिक फ्राइड एवं गरिष्ठ फूड होते हैं वो। सेकेंड, जड़ तथा कंद वाली सब्जियां। थर्ड, सूखे मेवे। फोर्थ, पूड़ी, पराठे, कचौरी, पकौड़े,
समोसे, आलू बड़े आदि। फिफ्थ है मिठाइयाँ एवं आइसक्रीम। सिक्स्थ है केक पेस्ट्री। सेवन्थ है अधिक कैलोरी युक्त भोजन जैसे शक्कर, गुड़, खजूर, मिश्री, घी, तेल, मक्खन आदि। शक्कर के स्थान पर सैकेरिन का उपयोग किया जाना चाहिए। सैकेरिन मीठा होता है परंतु उसका कैलोरी मूल्य शून्य होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का उपचार ट्रीटमेंट निम्नानुसार किया जाना चाहिए। इसमें से फर्स्ट है टू कंट्रोल ऑन डेली डाइट। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कम कैलोरी युक्त भोजन देकर किया जा सकता है, परंतु कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक कम नहीं हो की जानी चाहिए। अधिकतम 800 to 1000 किलो कैलोरी का कम करना चाहिए। यदि इसमें भी अधिक कैलोरी की मात्रा कम कर दी जाती है तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कैटोसिस हो जाता है। कार्बोज की संतुलित मात्रा कीटोन बॉडीज में कमी लाता है। फैट एवं प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करने से रक्त में ब्लड में यूरिक एसिड तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। उपरोक्त सभी पदार्थ सारे बॉडी के लिए हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकर होते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेडिसिन। अभी तक मैं मार्केट में कोई ऐसी मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो सकी है जो ओबेसिटी को एकदम से कम कर दे तथा शरीर को बॉडी को चुस्ती एवं फुर्तीला बना सके। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी है जो कुछ हद तक ओबेसिटी को दूर करती है, पर लेकिन इनका उपयोग डॉक्टर की सलाह एवं देख रेख में किया जाना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है भूख कम करने की दवाइयाँ, प्री लोडिन टैवाटी टैनवाटी टे पॉन्ड पॉन्ड्रेक्स। इन द मेडिसिन के साथ ही आहार डाइट पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड, सेकेंड है थायराइड ग्लैंड। कुछ दवाइयाँ मेडिसिन ऐसी होती है जो थायराइड ग्लैंड के स्रावन पर नियंत्रित करती है तथा वेट घटाती है। थर्ड पॉइंट है डायुरेटिक्स एंड लेक्सेटिव्स। डायुरेटिक्स तथा लेक्सेटिव्स का उपयोग ओबेसिटी घटाने में किया जाता है। इनके अत्यधिक उपयोग से यूरिन तथा मल अधिक मात्रा में बनता है। अत्यधिक स्टूल और यूरिन विसर्जन से ओबेसिटी घटता है, परंतु ये बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अतः इसका उपयोग डॉक्टर की देख रेख में ही किया जाना चाहिए। थर्ड है फॉर्मूला डाइट। ओबेस के वेट को कम करने के लिए तैयार किया गया फॉर्मूला डाइट बाजार में मार्केट में मिलता है। ये आहार डिब्बे में रहता है जिसमें कैलोरी की मात्रा 100 किलो कैलोरीज तक होती है। इनमें ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते आशय में पानी अवशोषित कर लेते हैं, जिनसे पे स्टमक भर जाता है तथा तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। बॉक्स बंद फॉर्म डिमा मत फॉर्मूला आहार का फॉर्मूला डाइट का उपयोग वजन घटाने में किया जाता है, लेकिन पर्सन अधिक समय तक इस फॉर्मूला डाइट को खाकर तृप्त नहीं रह सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज। ओबेस का एक अति महत्वपूर्ण कारण शारीरिक फिजिकल क्रियाशीलता का अभाव होना है। वे लोग जो फिजिकल वर्क कम करते हैं, बैठे बैठे कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, उनके लिए वे एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक होता है। मॉर्निंग टू इवनिंग टहलना, तैरना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना आदि से फिजिकल एक्सरसाइज होता है तथा ओबेसिटी घटता है। परंतु एक्सरसाइज करते समय ये सावधानी
आवश्यक भी बरती जानी चाहिए कि एक्सरसाइज की अधिक थकाने वाली नहीं हो। एक ही बार या एक ही दिन अधिक फिजिकल वर्क करने से बेहतर है कि रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज की जाए। 3 मील्स प्रति घंटा टहलने से 300 किलो कैलोरीज ऊर्जा व्यय होती है, जो कि 30 ग्राम फैट बर्न करने के बराबर होता है। अतः ओबेसिटी कम करते करने हेतु नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करना आवश्यक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थेरेप्यूटिक स्टार्वेशन। ओबेसिटी के ग्रस्त पेशेंट को हॉस्पिटल में कई सप्ताह तक केवल वाटर, विटामिन तथा मिनरल्स युक्त पेय पदार्थ पिलाकर रखा जाता है। इससे ओबेसिटी कम हो जाता है। अमेरिका के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर जॉन और फॉरेट ने ओबेसिटी से ग्रस्त पेशेंट को केवल वसा ही सूप पिलाकर रखा था तो उनके वेट में अपेक्षित कमी आई, परंतु ये उपचार तभी तक संभव है जब तक कि रोग पेशेंट हॉस्पिटल की देखरेख में रहता है। जैसे ही विविध फूड ग्रहण करने लग जाता है तो मोटा ओबेसिटी फिर से बढ़ जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रफेज पदार्थों के सेवन से पेट भर जाता है, तृप्ति मिलती है, परंतु उसकी कैलोरी मूल्य शून्य होने से एनर्जी नहीं मिलती है, अतः ये ओबेसिटी कम करता है। यूएसए के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के चिकित्सक डॉक्टर अलर्ट मिखेलसन ने ओबेसिटी पर अध्ययन किया तथा बताया कि यदि बराबर मात्रा में रोगी पेशेंट को वाइट ब्रेड तथा रफेज ब्रेड खिलाया तो रफेज के ब्रेड खाने वाले पर्सन का ओबेसिटी सफ़ेद वाइट ब्रेड खा वाले व्यक्ति से बहुत ही कम हो गया था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सॉल्ट। इफ ओबेसिटी से ग्रस्त पर्सन यकृत के रोग, लीवर के डिजीज से भी पीड़ित है तो उसके डाइट में नमक वर्जित होना चाहिए, क्योंकि नमक कोशों में के भीतर जल को संग्रहित करने वाला लगता है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट, योर लेसन इज एंडिंग हेयर। नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।